बेलापुर गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन की आर्थिक व्यवस्था खराब होने के कारण वो अपने परिवार को दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाता था। पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मोहन अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहता है। हाँ ठीक है, मैं आज शाम को आप सबको भरपेट खाना खिलाऊंगा। मोहन के बच्चों को हर रोज एक ही बात सुनते हुए कई दिन हो गए थे। उनको ये पता था कि शाम को कोई भरपेट खाना नहीं खाया जाएगा। एक दिन मोहन रात जंगल से घर जा रहा था। तो उसे जंगल में एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल मोहन को देख के खुश हो जाती है और कहती है, आज तो खाने का पूरा बंदोबस्त हो गया, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मोहन पहले से ही दुखी था कि आज भी बच्चों के लिए कुछ भी खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। मोहन चुड़ैल को दुखी मन से कहता है, चुड़ैल बहन, तुम मुझे खा जाओ, इससे मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए आज भी खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। मैं उनको ऐसे खाने के लिए रोते हुए नहीं देख सकता। इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे खा जाओ। मोहन की बातें सुनकर चुड़ैल को मोहन पे दया आ जाती है और वो कहती है, ये पेड़ अपने घर के आंगन में लगा देना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मोहन पेड़ लेके अपने घर आ जाता है और पेड़ को घर के आंगन में लगा देता है। जैसे ही मोहन पेड़ लगाता है, पेड़ तभी बड़ा हो जाता है। और पेड़ से बढ़कर एक खाने के पकवान नीचे आने लगते हैं। मोहन के बच्चे भूखे थे तो वो कुछ ना देखते हुए बस खाने पे टूट पड़े। उधर मोहन जान चुका था ये उसी दयालु चुड़ैल की मेहरबानी से हुआ है।